Welcome friends to Yoga for Life. Yoga is not just about asanas. Yoga is about a disciplined way of living. Yoga आपके body के हर odd को even कर देता है, आपके body को fully align कर देता है, and it also helps you to get rid of that stubborn fat, जिसे दूर करने के लिए आपने innumerable crash diets किए होंगे, medicines और पता नहीं क्या-क्या किया होगा. So come, let's find out how yoga can help us to lose weight. Welcoming our yoga expert, Mr. Dilip Tiwari. धन्यवाद. आज जो आसन हम देखने वाले हैं उससे वजन तो कम होता ही है, साथ साथ जिंदगी भर आप जवान रहेंगे. हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो सोचते कि आसन प्राणायाम कर लिया और योग हो गया है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि योग में कई चीजें होती हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, क्रिया. इस बार हमने आसनों के साथ साथ मुद्राओं का भी प्रयोग किया है. कई लोगों को हमने देखा है कि उनकी कमर काफी फैल जाती है. ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कमर को कमरा मत होने दीजिए. आइए वजन कम करने के लिए आज देखते हैं अर्ध चंद्रासन. अब देखते हैं आज का पहला आसन, जिसका नाम है अर्ध चंद्रासन, यानी शरीर का पोस्चर हाफ मून की तरफ बन जाता है. आइए इसे करने का तरीका जाने. सीधे खड़े हो जाइए, पैरों में 2.5 से 3 फीट की दूरी बनाइए. सांस लेते हुए दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल तक उठाइए, इस तरह से. सांस छोड़ते हुए हथेलियों को आपस में मिला लीजिए. अब थोड़ा सा हाथों में गैप बनाइए, यानी आपके शोल्डर के लेवल में दोनों हाथ रहे, इस तरह से. सांस लेते हुए राइट साइड में झुकिए, ब्रीथ इन, राइट साइड में धीरे धीरे झुकिए. गर्दन बिल्कुल सामने रखें, दोनों हाथों के बीच में नजरें सामने टिकी हों. कम से कम 10 सेकंड तक इस पोस्चर में रुके रहें. पूरा खिंचाव कमर पे महसूस करें. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाइए. ठीक इसी प्रकार लेफ्ट साइड में, यानी बाईं तरफ झुके, ब्रीथ इन, सांस अंदर लीजिए और झुकिए. लेफ्ट में गर्दन सामने हो, नजरें आपके सामने टिकी हो, 10 सेकंड तक रुके रहिए. पूरा खिंचाव शरीर पे आने दीजिए. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को सीधा कीजिए, हाथ को नीचे ले आइए, पैरों को आपस में मिला लीजिए. तो ये था अर्ध चंद्रासन. आइए इससे होने वाले फायदे के बारे में आपको बताता हूं. पैरों में जब आप दूरी बनाते हैं तो हिप्स और थाइस के बीच में हल्का खिंचाव आता है, जिससे हिप्स और थाइस की चर्बी कम होती है, यानी मोटापा कम होता है. दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं तो फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ दूर होती है. जब एक तरफ झुकते हैं तो काफी तेज खिंचाव आता है वेस्ट पे, कमर पे, जिससे कमर की चर्बी कम होती है. यानी पूरे शरीर का मोटापा कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए बड़ा ही फायदेमंद है अर्ध चंद्रासन. अब देखते हैं आज का दूसरा आसन, जिसका नाम है त्रिकोणासन. आइए इसे करने का तरीका जानें. पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी बनाइए. लेफ्ट हैंड को ऊपर कान के पास इस तरह से उठाइए, दूसरा हाथ थाइस के पास रहे. अब सांस लेते हुए राइट साइड में झुकिए, धीरे धीरे हाथ बिल्कुल सीधा रखें, नजरें सामने टिकी हों. आराम से जितना झुक सकते हैं नीचे की तरफ झुकें, सामने देखते रहिए. 10 सेकंड तक इस पोस्चर में रुके रहें, खिंचाव को महसूस करें शरीर पर. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएं, हाथ को नीचे ले आएं. ठीक इसी प्रकार अब राइट हैंड को ऊपर उठाइए. आप हाथ को इस तरह भी उठा सकते हैं, चाहे तो सामने से भी उठा सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे. अब सांस लेते हुए लेफ्ट साइड में झुकिए, दोनों हाथ सीधा रखें. कोशिश करें कि हाथ बहुत आगे नहीं चलाए, हाथ को बिल्कुल कान के लेवल में रखें. गर्दन को नीचे की तरफ झुकाए रखें. पूरा खिंचाव शरीर पे महसूस कीजिए. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधा होइए, हाथ को नीचे ले आइए, पैरों को आपस में मिला लीजिए. तो ये था त्रिकोणासन.
आइए त्रिकोण आसन का एक वेरिएशन आपको दिखाता हूं। पैरों में वैसे ही 2.5 से 3 फीट की दूरी बनाइए, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए यानी बाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं, सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को फोल्ड करिए यानी नीच को फोल्ड करें, राइट पैर को बिल्कुल सीधा रखें, इस तरह से हाथ को उसी तरह से रखें, 10 सेकंड तक रुके रहें, हल्का सा एड़ी को उठा के रखें, बाएं वाले पैर को लेफ्ट के पैर की एड़ी को थोड़ा सा ऊपर रखें, वापस धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए, राइट हैंड को ऊपर ले आइए, दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, सांस लेते हुए अब राइट नीच को फोल्ड करिए और बायां पैर बिल्कुल सीधा हो, हाथ कमर के ऊपर, हाथ कान के ऊपर, थोड़ा सा होल्ड रहे, वापस धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए, रिलैक्स हो जाइए। एक बार फिर से इस आसन को करते हैं, पैरों में वैसे ही 2.5 से 3 फीट की दूरी रहे, बाएं हाथ को ऊपर ले आइए, लेफ्ट नीज को फोल्ड करिए यानी बाएं नीज को फोल्ड करिए और राइट वाला पैर बिल्कुल सीधा रहे। त्रिकोण आसन का एक वेरिएशन है, 10 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे वापस सीधा हो जाइए, हाथ को नीचे ले आइए, दूसरे हाथ को ऊपर उठाइए और राइट नीज को फोल्ड करिए और बायां पैर लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा हो, जरा भी फोल्ड नहीं हो, खिंचाव को महसूस कीजिए। आप देख सकते हैं काफी तेज खिंचाव है पैर, वेस्ट और हाथ के ऊपर। 10 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाइए, हाथ को नीचे ले आइए, अब पैरों को आपस में मिला लीजिए। तो मोटापा कम करने के लिए ये था त्रिकोणासन। आइए इसे होने वाले फायदे के बारे में आपको बताता हूं। पैरों में जब आप दूरी बनाते हैं और एक हाथ को ऊपर करके एक तरफ झुकते हैं तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का जिनको नीज में दर्द होता हो दर्द दूर होता है, पर जिनको बहुत ज्यादा नीज में दर्द हो यानी गद्दी घिस चुकी हो नीज की, वो लोग इस आसन को नहीं करें। और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा टाइट रहता है जिससे हिप्स थाइज खिंचर भी कम होती है। हाथ ऊपर जब आप दबाते हैं तो यहाँ से फ्रोजन शोल्डर की तो तकलीफ दूर होती है, साथ साथ पूरे वेस्ट की चर्बी कम होती है, यानी शरीर का मोटापा कम करने के लिए बड़ा ही फायदेमंद है त्रिकोणासन। अब देखते हैं आज का तीसरा आसन जिसका नाम है कटी चक्र आसन। कटी माने कमर, चक्र माने घुमाना, कमर को दोनों तरफ घुमा करके इस आसन को किया जाता है। आइए इसे करने का तरीका जाने। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए, पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी बनाइए, इस तरह से सांस लेते हुए दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल तक उठाएं, ब्रीथ इन, नजरें बिल्कुल सामने टिकी हों, आउट, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में धीरे धीरे शरीर को घुमाएं। आप लेफ्ट वाले हाथ को थोड़ा फोल्ड कर लीजिए, आपकी नजरें राइट हैंड के फिंगर पे टिकी हों, थोड़ा सा यहां रुकिए, खिंचाव आने दीजिए शरीर पे, धीरे धीरे सांस लेते हुए सीधा हो जाइए, दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में घुमाइए, राइट हैंड को फोल्ड कर लीजिए यानी एल्बोज को फोल्ड कर लीजिए, लेफ्ट वाले फिंगर को देखते रहिए, 10 सेकंड तक रुकें, खिंचाव आने दीजिए शरीर पे, सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ को सीधा ले आइए, छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आइए, पैरों को आपस में मिला लीजिए। आइए इस आसन को एक बार फिर से करते हैं, पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी, सांस को लेते हुए धीरे धीरे हाथ को उठाइए शोल्डर लेवल तक, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में धीरे धीरे घूमिए, लेफ्ट एल्बोज को फोल्ड करिए, आपकी नजरें राइट हैंड के फिंगर पे टिकी हो, थोड़ा यहां रुकिए, जब तक आपकी सांस रुकी रहेगी आप रुके रहेंगे यहां, सांस लेते हुए वापस धीरे धीरे सीधा होइए।
हाथ को वापस फैला दीजिए। सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ ब्रीद आउट। राइट एल्बोज को फोल्ड करिए। अगर आप 5 सेकंड ही सांस को होल्ड कर सकते हैं तो 5 सेकंड ही रुकिए, कोई जरूरी नहीं कि 10 सेकंड रुके। सांस लेते हुए वापस सीधा हो जाइए। वापस धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए, पैरों को आपस में मिला लीजिए। तो ये था कटी चक्रासन। आइए देखते हैं कटी चक्रासन का एक और वेरिएशन। सीधे खड़े हो जाइए, पैरों में 2.5 से 3 फीट की दूरी बनाइए। यूं सीधे बिल्कुल खड़े रहें, सांस लेते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक उठाइए। अब धीरे से राइट टोच को घुमा लीजिए राइट साइड में, इस तरह से। सांस अंदर खींचिए, ब्रीद इन। सांस छोड़ते हुए राइट नीज को फोल्ड करिए, पीछे का पैर बिल्कुल सीधा, हाथ को घुमाइए राइट साइड में। आपकी नजरें राइट हैंड के फिंगर पे टिकी हों। पूरे शरीर पे तेज खिंचाव आने दीजिए। 10 सेकंड तक यहां रुकिए, सांस को रोक के रखें। सांस लेते हुए वापस सीधा हो जाइए, हाथ को सीधा रखिए, टोच को घुमा लीजिए सीधा। अब लेफ्ट टोच को लेफ्ट साइड में घुमाइए, धीरे से नीच को फोल्ड करिए लेफ्ट के, और सांस छोड़ते हुए शरीर को घुमाइए बाईं तरफ। लेफ्ट हैंड के फिंगर पे नजर को टिका के रखिए, पूरा खिंचाव आने दीजिए शरीर पे। वापस सांस लेते हुए सीधा, धीरे धीरे हाथ को सीधा कीजिए, टोच को घुमा लीजिए, हाथ को नीचे ले आइए, पैरों को आपस में मिला लीजिए। तो ये था कटी चक्रासन। आइए इसे होने वाले फायदे के बारे में आपको बताता हूं। पैरों में जब हम 2.5 से 3 फीट की दूरी बनाते हैं तो आप देख सकते हैं काफी खिंचाव आता है हिप्स और थाइस के बीच में, जिससे यहाँ की चर्बी कम होती है। और जब हम एक तरफ बॉडी को घुमाते हैं तो तेज खिंचाव आता है कमर पे। इसका नाम यह है कटी चक्रासन, यानी कमर की चर्बी कम करने के लिए काफी फायदेमंद है कटी चक्रासन। अब देखते हैं एक स्पेशल मुद्रा, इससे भी मोटापा कम होता है। इसका नाम है सूर्य मुद्रा। आइए इसे करने का तरीका आपको बताते हैं। बिल्कुल सीधा खड़े हो जाइए, आप बैठ करके मुद्राएं करें तो ज्यादा बेटर होता है, पर हम खड़ा होकर भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। सीधे हाथ को रखें, एक अंगुली को यहाँ अंगूठे के थंब में नीचे लगा लीजिए, दूसरे को भी इस तरह से। 3 अंगुली सीधा रखें और इस तरह से पोस्चर रखें। इसे बोलते हैं सूर्य मुद्रा। कम से कम 3 से 4 मिनट तक इस मुद्रा में बैठना चाहिए। पद्मासन, वज्रासन या सुखासन में बैठ सकते हैं, या खड़े खड़े भी इन मुद्राओं को कर सकते हैं। धीरे से उंगलियों को खोलिए, हाथ को नीचे ले आइए, रिलैक्स हो जाइए। तो इससे भी काफी तेजी से वजन कम होता है। ये थी सूर्य मुद्रा। सो फ्रेंड्स, टुडे वीव लर्न्ड हाउ टू लूज वेट थ्रू योगा। जस्ट अ नोट ऑफ कॉशन, प्लीज परफॉर्म दीज आसन्स अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस ओनली। सी यू अगेन ऑन योगा फॉर लाइफ। Till then, stay fit and stay healthy. For more videos, subscribe to our channel FitWit.